देवराज जी का बेटा अंकित ऑफिस जाने के लिए निकल गया था तो देवराज जी हॉल में आए और उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए दे दो ना। उनकी बहू मालविका कहने लगी, आज तो नाश्ते में मैंने नूडल्स बनाए थे, आप नूडल्स खाएंगे ना। देवराज जी कहने लगे, बहू मैं कहाँ नूडल्स खाऊंगा, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे दो रोटी दे दो, मैं खाकर दवाई खा लेता हूँ, नूडल्स खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाता है। मालविका चिढ़ गई और कहने लगी, अब सुबह सवेरे बैठकर आपके लिए रोटी बनाऊं क्या। ससुर जी बुढ़ापे में भी आपका पेट कितनी ज्यादा रोटी मांगता है, रोटी खाने का इतना ही शौक है तो चुपचाप रात की बासी बची रोटी चटनी के साथ खा लीजिए। वो मुरझाई हुई ठंडी रोटी देखकर देवराज जी हैरान रह गए। घर में कलह ना हो इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली और चुपचाप वो ठंडी बासी रोटी लेकर चबाने लगे। पेट की भूख इतनी तेज थी कि वह दुख और तिरस्कार सब कुछ भुलाकर दो रोटियां चबाने में लगे हुए थे। हालांकि उनके दांतों से रोटी चबाई नहीं जा रही थी, तब मजबूरन उन्होंने रोटी को पानी में डुबा डुबा कर खाना शुरू कर दिया। उधर रोटियों में पानी समाये जा रहा था और इधर देवराज जी की आंखों से पानी बहता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी तरह एक रोटी खाई और दो गिलास पानी पीकर उन्होंने अपना पेट भर लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो अपने कमरे में गए और अनमने से बिस्तर पर लेट गए। आज उन्हें अपनी पत्नी देवकी जी की बड़ी याद आ रही थी। जब तक वह इस दुनिया में थी तब तक दोनों पति पत्नी हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। जिस रसोई पर आज बहू अपना कब्जा जमाए बैठी थी उसी रसोई में दोनों पति पत्नी ने न जाने कितने ही खुशियों के पल बुने थे। एक साथ खाना पकाते हुए उन दोनों के रिश्ते भी मध्यम आंच पर पकते रहते थे और प्यार की गर्मी हमेशा उनके रिश्ते में बनी रहती थी। लेकिन आज जब उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी तो वह अपने ही घर में दो रोटियों के लिए तरस कर रह गए थे। उनके मन में बार बार एक ही बात कचोट रही थी कि यदि आज मुझे पेंशन मिलती रहती या फिर मैंने कोई बचत की रहती तो मुझे दो रोटियों के लिए इस तरह बेटे और बहू पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सच में एक पिता अपने बेटे को कितने सालों तक रोटियां खिलाता है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो उसके घर में माता पिता के लिए दो रोटियां भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वह बिस्तर पर लेटे लेटे आंसुओं के घूंट पी रहे थे। थोड़ी देर में उन्हें फिर से भूख लग गई थी और उन्हें अपनी डायबिटीज की दवाई भी लेनी थी। उन्हें चक्कर से भी आ रहे थे। जब घबराहट बढ़ने लगी तो वह उठ बैठे। तभी उनके कमरे की खिड़की से खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो पड़ोस के घर में रहने वाला बिट्टू एक प्लेट में कुछ लेकर खड़ा था। देवराज जी ने अपने आंसू छुपाकर अपने स्वर को संयत करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बिट्टू क्या बात है बेटा। बिट्टू कहने लगा, दादाजी मेरी दादी ने आज कटहल की सब्जी बनवाई थी तो उन्होंने कहा है कि आपको भी कटहल की सब्जी बहुत पसंद है तो मैं आपके लिए सब्जी रोटी लेकर आया हूँ, दादी ने भिजवाई है। वह नन्हा सा बच्चा खाने की प्लेट नहीं, मानो उनके लिए पूरा संसार लिए खड़ा था। एक भूखे व्यक्ति के लिए भरपेट भोजन से बढ़कर और क्या हो सकता है। उन्होंने प्लेट अपने हाथों में ले लिया और बिस्तर पर आकर बैठ गए। बिट्टू उछलता कूदता वहां से चला गया। देवराज जी ने ढक्कन हटाकर देखा तो प्लेट में चार गरम रोटियां और एक कटोरी कटहल की रस वाली सब्जी के साथ ही प्याज और अचार भी रखा हुआ था। उनका मन खुशी से गदगद हो उठा। वह जल्दी जल्दी खाने के निवाले उठा उठा कर खाने लगे। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी और ऊपर से उन्हें भूख भी इतनी तेज लगी थी कि उन्होंने झट से ही पूरी प्लेट खाली कर दी। फिर उन्होंने अपनी दवाई खाई और बिस्तर पर लेट गए। भर पेट भोजन करने के बाद अब उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह भविष्य की चिंता में डूब गए कि अगली बार के खाने का क्या होगा। दोपहर में उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया। वह अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने के लिए चली गई थी। रसोई घर के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। देवराज जी को जब भूख लगने लगी तो वह फिर से बेचैन होने लगे और सोचने लगे कि यह भी अजीब मुसीबत है, काश कि भूख न लगती तो किसी का मोहताज भी ना होना पड़ता। उनकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। उन्होंने सोचा कि इस वक्त कौन आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अंकित खड़ा था। वो अपने साथ दो आदमियों को लेकर आया था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी जरा अपने कमरे में चलिए, यहाँ कुछ काम करवाना है। देवराज जी अपने कमरे में जाने लगे तभी अंकित ने उन्हें एक पैकेट देते हुए कहा, पापा मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आया था, आप खा लीजिए। देवराज जी ने फलों का पैकेट ले लिया और कमरे में जाकर फल खाने लगे। वैसे भी भूख तो उन्हें लग ही गई थी। तभी उन्होंने सुना अंकित कह रहा था, देखो यहाँ घर के बीचों बीच एक दीवार बन जानी चाहिए। यह शब्द सुनते ही देवराज जी के फल खाते हुए हाथ रुक गए। वो सन्न रह गए कि बहू तो उनके साथ दुर्व्यवहार करती ही थी, क्या अब बेटा भी बदल गया जो घर के बीचों बीच दीवार खड़ी करवा रहा है। उन्होंने डरते हुए अपने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो सचमुच अंकित घर के बीचों बीच इशारा करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर जल्द से जल्द दीवार बन जानी चाहिए। इसके आगे देवराज जी कुछ सुन ही नहीं पाए। वह शून्य में खो गए कि आखिर उनके साथ बुढ़ापे में यह सब हो क्या रहा है। तो क्या बेटा अब बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा छोड़ देगा। उनका मन बहुत घबराने लगा और वह सोचने लगे, नहीं नहीं मैं अंकित से बात करता हूँ, आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह कमरे से निकलकर बाहर आए। तब तक उन्होंने देखा कि घर पर कोई था ही नहीं। थोड़ी देर के बाद आंगन में ईंट बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह आ चुका था।
देवराज जी सिर पर हाथ रखकर आंगन में बैठे हुए थे। बहू जब शाम को घर आई तो सारा सामान देखकर उसने अंकित को फोन लगाया। अंकित ने उसे पता नहीं क्या कहा, बहू ने फोन रख दिया और कुछ बुदबुदाते हुए रसोई में चली गई। अगले सुबह से घर में दीवार उठनी शुरू हो गई थी और इधर देवराज जी का दिल बैठने लगा था। अंकित ने अगली सुबह अपने पापा से कहा, पापा आपको बुआ जी बहुत दिनों से बुला रही हैं, तो चलिए मैं आपको वहां पर छोड़ आता हूँ। यहाँ पर घर में कुछ काम लगा हुआ है तो आपको भी धूल मिट्टी से दिक्कत हो सकती है, अब बुढ़ापे में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए बुआ जी के घर चले जाइए, यहाँ का काम खत्म होते ही मैं आपको बुला लूंगा। देवराज जी का चेहरा बुझ गया और वह सोचने लगे, अब कुछ भी कहने सुनने की जरूरत ही क्या है, जाने दो बेटा जो कर रहा है उसे करने दो। ऐसा सोचकर वह बेटे के साथ अपनी बहन के घर चले गए। वहां पर भी उनका मन भारी ही था। बहन के घर पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 10 दिनों के बाद जब अंकित उन्हें लेने के लिए आया तो वो सोचने लगे कि अब तो इस बार घर में मेरी और भी ज्यादा दुर्गति होगी। लेकिन वह बहन के घर भी आखिर कितने दिन रह सकते थे, इसलिए वापस चले आए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा आंगन के बीचों बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। उनका मन बैठने लगा। अंकित उनका हाथ पकड़कर उन्हें गेस्ट रूम की तरफ ले गया। कमरे के बाहर हॉल में एक छोटी सी चमचमाती हुई रसोई देखकर देवराज जी हैरान रह गए। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटे ने यह सब किया क्या है। अंकित अपने पिता को सोफे पर बिठाकर उनके घुटनों के पास बैठ गया और उनकी गोदी में सिर रखकर कहने लगा, पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको मेरी वजह से बहुत दिनों तक तकलीफ झेलनी पड़ी। आप अपने हिस्से के खाने में से भी पहला निवाला मुझे खिलाते थे, लेकिन आज मेरी गृहस्थी में आपको भूख से सामना करना पड़ रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन पापा जिस दिन मालविका आपको चटनी रोटी खाने के लिए कह रही थी ना, उस दिन मैं अपना मोबाइल घर पर भूल गया था, तो मैं घर आया था और मैंने दरवाजे पर आपको पानी रोटी खाते देख लिया था। मेरा तो हृदय ही फटने लगा था। मैं उल्टे पैर वापस लौटा और मैंने पड़ोस की जानकी अम्मा को कहा वह आपके लिए खाना भिजवा दे। शायद वह भी सारी स्थिति को समझती थी और सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए उन्होंने भी बिना कोई सवाल किए बिट्टू के हाथों आपके लिए खाना भिजवा दिया। फिर मैं तुरंत ही ऑफिस चला गया। वहां बैठकर मैंने काफी देर तक विचार किया और तब मैंने फैसला लिया कि घर के बीचों बीच दीवार खड़ी होगी, क्योंकि मेरी पत्नी तो आपका ध्यान रखेगी नहीं। देखिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी रसोई भी बनवाई है और यहाँ मैंने राशन भी भर दिया है। मैंने खाना बनाने वाली को बोल दिया है, वो आपके लिए मनपसंद भोजन बना दिया करेगी। आप मेरी जिम्मेदारी है पापा, तो भले ही 4 पैसे ज्यादा खर्च होंगे लेकिन बुढ़ापे में मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और मालविका मेरे बच्चों की माँ है तो मैं उसे छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं उसे पत्नी होने का अधिकार भी नहीं दे पाऊंगा। वो रहेगी तो इसी घर में, लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। वह तो खुश हो रही थी कि उसे आपकी देखभाल से मुक्ति मिल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने आपके लिए क्या इंतजाम किया है। जब उसे पता चलेगा कि मैंने आपके लिए अलग से रसोई का प्रबंध किया है तो वह खर्चे को लेकर झगड़ा करेगी, लेकिन जब मैं उसे बताऊंगा ना कि मेरी जिंदगी में उसका कोई स्थान ही नहीं रहा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करने की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं खोया, लेकिन उसने एक पति का प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवराज जी हक्के बक्के से बेटे का प्रेम देख रहे थे। उन्होंने भरे गले से कहा, बेटा तू बहू को इतनी कठोर सजा मत दे, तूने मेरा इंतजाम तो कर ही दिया है ना, तू बहू के साथ अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ रहा है। अंकित कराहा उठा और कहने लगा, पापा यह आपका प्यार है, आपकी बहू ने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मालविका जो दरवाजे पर खड़ी थी वह भी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू आने लगे। इसके साथ ही उसे डर लग रहा था कि अगर सचमुच उसके पति ने उसके हिस्से का प्यार नहीं दिया तो क्या अब उसे जिंदगी भर पति के प्यार के बिना ही जीना होगा। ऊपर से आज देवराज जी की बातें सुनने के बाद उसे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी ये मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। उस समय तो मालविका कुछ बोल नहीं पाई और वापस अपने हिस्से की ओर लौट आई। ससुर जी के खाली पड़े कमरे को देखकर उसके मन में एक टीस सी उठी। उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर अंकित की बातों में कितनी सच्चाई है। अंकित पिता के पास से घर आया तो बच्चों ने उसे घेर लिया और बच्चे कहने लगे, पापा चलिए हमें आइसक्रीम खाना है, मम्मी को भी साथ लेकर चलते हैं। अंकित रुखाई से कहने लगा, तुम लोगों को आइसक्रीम खाना है तो चलो, लेकिन माँ को यहीं रहने दो, माँ के लिए आइसक्रीम पैक होकर आ जाएगा। इतना कहकर उसने दोनों बच्चों को कार में बिठाया और मालविका को अकेले छोड़कर चलता बना। मालविका का कलेजा बैठने लगा कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। अकेलेपन में उसका जी घबराने लगा और वो सोचने लगी, अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं अंकित का व्यवहार उसके प्रति कितना कठोर होते जाएगा। वो बेचैनी से चहलकदमी करने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो वो कांपते कदमों से अपने ससुर जी के पास गई। वो उनके कदमों में गिरकर माफी मांगते हुए कहने लगी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन अंकित का रूखा व्यवहार मैं झेल नहीं पाऊंगी,
प्लीज आप उन्हें कहिए ना कि वो मुझे माफ कर दे, आपको यहाँ गेस्ट रूम वाले कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने कमरे में वापस चलिए और पूरे सम्मान के साथ वहाँ पर रहिए। मैं वादा करती हूँ कि आपकी देखभाल में मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी, और अगर मैंने फिर से कोई गलती की तो फिर आप लोग मिलकर चाहे मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं अपने पति से दूरी सहन नहीं कर पाऊंगी। देवराज जी बहू को रोते हुए देख नहीं पाए, उन्होंने तुरंत ही अंकित को फोन लगा दिया। अंकित जब घर आया तो देवराज जी ने बहू की ओर इशारा करते हुए कहा, देख बेटा, बहू को अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा है, इसे माफ कर दे, सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दे बेटा। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, मेरे अनुभव पर तो तुझे भरोसा है ना, बहू अब मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगी। अंकित ने अपनी पत्नी की ओर जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा, देखा तुमने मेरे पापा का दिल कितना बड़ा है। मालविका का सिर झुक गया, उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ कि पापा कितने अच्छे हैं और मैं उनके साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे भी हैरानी से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। अंकित ने बच्चों का माथा सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं बच्चों के खाते तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ, आखिर बच्चों के सामने भी तो मुझे आदर्श प्रस्तुत करना था कि बड़ों की देखभाल करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर पूरे सम्मान के साथ वह अपने पिता को लेकर उनके कमरे में पहुंचा। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, मालविका उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन घर के बीच खड़ी दीवार अभी भी मौजूद थी। अंकित ने कुछ दिनों के बाद उस हिस्से में किराएदार रख लिए, जिससे थोड़ी आमदनी भी आने लगी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चल पाई कि अंकित ने जानबूझकर यह प्लान बनाया था। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि वह गेस्ट रूम वाला हिस्सा किराए पर देगा, लेकिन जब उसने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार होते देखा तो उसने बात को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि मालविका को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सुधर गई। तो दोस्तों, मेरी लिखी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।